कपास की बंपर फसल से अबोहर मंडी में उत्साह का माहौल है। कपास का भाव भी अच्छा होने से सभी खुश हैं। अबोहर की मंडी में अभी तक 1.25 लाख क्विंटल कपास की आमद हो चुकी है। पिछले सीजन में अबोहर में 8 लाख क्विंटल कपास की आमद हुई थी। इस सीजन में 10 लाख क्विंटल का आंकड़ा पार होने की उम्मीद की जा रही है। गर्मी की बोली का काम शुरू ढंग से चल रहे हैं। ये रोज लगभग 450-450 नग आ रहे हैं। ये 1,15,000 क्विंटल तक आमद हो चुकी है। पिछले साल जेड़ा 17-18 8,45,000 क्विंटल कमाया सी। इस साल 10 लाख क्विंटल के ऊपर आमद समाना है। फसल बहुत वधिया है। इस साल जिम्मेदार रेट भी बहुत वधिया मिल रहा है। 52,500 अज उच्चा भी गया है। 52,500-52,500 रुपये रेट आम चल रहा है। पिछले साल इन्हों दिन रेट 45-46 रुपये सेगा। इस टाइम जिम्मेदारों का बहुत फायदा हो रहा है। रेट वधिया है, बहुत वधिया ढंग मंडी तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन किसान खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि उनको MSP से कम पर फसल बेचनी पड़ रही है। मंडी में बोली के बाद मिल में तलाई पर काफ़ी समय लग जाता है। इनपुट के दामों के मुकाबले कपास के दाम नहीं बढ़े हैं। अच्छा जी, नरमो ले के आया, बिकने में बड़ी परेशानी है। कल सुबह बोली होनी है 10 बजे, अभी आके खड़ गया 24 घंटा पहला ही। बाकी रेट कौन मिलने लग रहे हो? जितनों मिलना चाहिए 5,000 के लग। इंगमा ही मिल में जाके फिर इंगमा काट छांट करेगा। लागत ज़्यादा है जी नरमे यहीं पर, खर्चो ज़्यादा आइडो है जी। BT बीज है, महंगा बहुत है जी। खाद का रेट बता दिया जी, 800 बैगाम तो वो 1200 को कर दियो। नरमे पर इंग रेट पर कोई फर्क कौन पड़ो। सरकार 5,500 को के हो, जो 5,000 रुपये बिकन लाग रही है, 5 कम जान लाग रही है। और माने कोई फैसिलिटी कौन मिलने लाग रही, वो भी बिकने के बाद टाइम सर तुले को नहीं, दो तीन दिन रखना पड़े। मिल में बड़ी गड़बड़ होने लाग रही है। इधर व्यापारी पंजाब के किसानों के कपास की खेती से विमुख होने से चिंतित है। किसानों का रुझान धान और फलों की खेती की तरफ होने से कपास का रकबा लगातार कम हो रहा है। इसके चलते पंजाब की कताई मिलों को दूसरे राज्यों से कपास मंगवानी पड़ रही है। व्यापारी सरकार से कपास किसानों को अच्छे बीज और कीटनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया आज तो 7 साल पहला 20-25 लाख गठ हुई सी। जिमीदार जोड़ा है नरमे की खेती तो कन्वर्ट होकर झोना पैडी तो बागों के साडे एरिए चला गया। उस करके हम जी क्रॉप पंजाब की 9-10 लाख कट होंगी है। अबोहर की अगर आप गल करिए इतने किसी टाइम 3.5 लाख कट होंगी सी। पिछले तो पिछले साल 2 साल पहला इतने सिर्फ 1.25 लाख नर की क्रॉप हुई। इस साल जी क्रॉप है असं उम्मीद करते हैं भी 2 लाख गर के करीब होगी। मौसम जोड़ा नरमे कपाह ठीक रहा, बाकी गौरमेंट की सख्ती करके सीड तो पेस्टिसाइड जिमीदार को सही मिले, उस करके झाड़ का जोड़ा है एक पिछले साल नालों 100 तो 150 झाड़ होगा। उस करके अबोहर 2 लाख गर के करीब होगी। तो टोटल नॉर्दर्न इंडिया 10 लाख की क्रॉप है। इंडिया की क्रॉप जी है 3,50,000 के करीब है। तो साडे जी खपत है वह 3,15 to 3,10 है। असी जी कॉटन है एक्सपोर्ट कर जाती है तो गौरमेंट नू फॉरन करंसी भी मिलती है। तो मैं चैनल के थ्रू यही रिक्वेस्ट करांगा कि खास करके कॉटन पर ध्यान दिता जाए, क्योंकि ये फॉरन एक्सचेंज भी साढ़े आती है। जितों तक पंजाब का सवाल है, पंजाब के 25 लाख कट कपैसिटी की स्पिनिंग मिल लगी हुई है। अज तो 7-8 साल पहला साड़ी क्रॉप बहुत सी, जिहड़ी क्रॉप घट गई। अज साड़ी स्पिनिंग मिलों नू आपकी सप्लाई पूरी करन लई बाहर दी स्टेटां चों जिवें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात दे विचों कॉटन लैणी पैंदी है। तो पंजाब सरकार अगर इस चीज़ पर ध्यान दे तो साड़ी स्टेट चीज़ पैदा करके साड़ी इंडस्ट्री नू होर ग्रोथ मिल सकती है। तो असी यही कहांगे गौरमेंट नू कि इस नरमे जिहड़ी कैश क्रॉप है जिहदा कि गौरमेंट दे उत्ते कोई बोझ नहीं किसी तरह का परचेज का जां उहनू प्रोक्योरमेंट का जां उहनू सेल का, तां नरमे की खेती नू वाधा देना चाहिए। तो ये सीड तो पेस्टिसाइड तो कंट्रोल करके सही जिमीदार को टाइम पर सीड तो पेस्टिसाइड वधिया मिल ते नाल पानी, यही असीं गुजारिश करा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।